14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास। जी हाँ, मामला है सदर थाना क्षेत्र की। बच्ची पास के दुकान से चीनी और साबुन लाने गई थी। दुकानदार के खिलाफ परिजन ने सदर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सदर थाना FIR करने में टाल मटोल कर रही है। लड़की पक्ष का आरोप है। हम कल 11 बजे गए थे चीनी लाने, वो बोला चीनी और साबुन लाने गए थे, तो वो बोला क्या अंदर आकर चीनी ले लो। तो हम अंदर गए, वो आकर मेरे पीछे से पकड़ लिया और कैसे कैसे मैं जान बचा कर वहाँ से आई। और क्या क्या किया था? पीछे से आकर पकड़ लिया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। कितने बजे की घटना है? 11 बजे की। इसकी सूचना पुलिस को दिया? हाँ दिया। तो पुलिस का क्या एक्शन रहा? अभी तो वो अभी कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कोई है। कौन थाना है? सदर थाना है। सदर थाना। जब वहाँ से आई तो किसको कही? मैं अपनी माँ को कही। तो माँ क्या बोली? माँ गए पूछने, तो माँ दबिया से वो लोग काट दिए मेरी माँ को। वहाँ पर कौन कौन था जिस समय गई थी? उस समय कोई नहीं था दुकान पे, ना अगल बगल। उसका चौक पर दुकान है कि घर में दुकान है? घर में दुकान है। तो क्या कही पुत्री आपको? मम्मी हम चीनी लावे हमरा भेजाइले ऐसे ऐसे हमरा कैला कर। तो हम गए पूछने, तो वो कहा कि बच्ची तो है तो कह दिए, तो क्या हो गया, इससे क्या होने जाने वाला है। तो इसकी सूचना आप अपना पति को दिए? इसके बाद मेरे बउआ है छोटका, उसके बाद आपका लड़का आया छोटका, तो क्या हुआ? तो वो भी गया पूछने, तो उसको भी कपार काउंटर काटने तेल काटने वाला काउंटर से उसका भी कपार फाड़ दी। पति का? पति भी गए पूछने, तो ये किलो से कपार फोड़ दिया उनका। कितना दूर पर दुकान है यहाँ से आपके घर से? ये बगल में। बगल में ही दुकान है जी। तो आपको पता है सच का आईना।